ओके स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग स्टोरी लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड अ सो इन द लास्ट वीडियो आई डिड द स्टोरी स्टोरी किया था ना लास्ट वीडियो में सो अभी देखिए आप धीरे ध्यान से देखिए आई विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स अब ये देखो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है द लिटिल रेड राइडिंग हुड फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका वॉट इज द नेम ऑफ द स्टोरी तो आप क्या बोलेंगे नेम ऑफ द स्टोरी इज लिट द लिटिल रेड राइडिंग हुड इज द नेम ऑफ द स्टोरी नेम ऑफ द स्टोरी इज द लिटिल रेड राइडिंग हुड ओके आप अगला क्वेश्चन देखिए लॉन्ग अगो इन विलेज लॉन्गो इनज लिटिल गर्ल एक लड़की रहती थी शी ऑलवेज बोर अ रेड कोट विथ अ हुड तो अब अगला क्वेश्चन है देखो वॉट लिटिल रेड राइडिंग हुड ऑलवेज वेयर तो क्या होगा शी ऑलवेज वोर अ रेड कोट विथ अ हु ये आंसर है क्वेश्चन टू का वॉट डिड शी ऑलवेज वेयर शी ऑलवेज वोर अ रेड कोट विथ अ हूड अब अगला देखो वेयर डिड शी वॉन्टेड टू गो अगला क्वेश्चन है वो कहाँ जाना चाहती थी सो एवरी वन इन दिलेज कॉल्डर लिटिल रेड रेडिंग गुड विज में सब उसको ऐसे बुलाते थे वन डे शी वेंट टू मीट हर ग्रैंड मा तो क्या आंसर होगा इसका शी वेंट टू मीट हर ग्रैंड मा शी वेंट टू मीट हर ग्रैंड मा वे डिड शी वॉन्टेड टू गो शी वेंट टू मीट हर ग्रैंड मा ये थर्ड क्वेश्चन है वॉट डिड हर मदर गिव हर पैकर फॉर ग्रैंड मा दादी के लिए क्या दिया मदर गेव हर सम मदर गेव हर समस्केट में क्या पैक करके दिया था हदर गेव हर सम कूज अब अगला देखिए ऑन हर वे शी मेट अ बैड बुल्फ अब क्वेश्चन क्या होगा हुम डिड शी मीट ऑन हर वे तो आंसर होगा

द वुल्फ लॉक ग्रैंड मा अप इन अ कबर्ड अब इसका क्वेश्चन क्या होगा वेर डेड द वुल्फ लॉक द लॉक ग्रैंड मा वुल्फ ने ग्रैंड मा को कहाँ लॉक किया तो आंसर क्या होगा वुल्फ लॉक ग्रैंड मा अप इन अ कबर्ड ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन अदे आर सो ईजी ओके नाउ वी विल सी द अदर क्वेश्चन अब यहाँ देखिए द वुल्फ चेंज इज़ वॉइस एंड आस्टर टू कम इन मैंने अंदर आने को कहा शी स्टूड नियर ग्रैंड मास्ट बेड एंड सेड अब शी कौन है यहाँ पे राइडिंग होड ओ वॉट बिग आइज यू हैव तो वो क्या बोलती है उसके लिए आंसर सो आई कैन सी यू बेटर जब वुल्फ पूछता है जब राइडिंग हुड पूछती है वॉट बिग ईयर्स यू हैव वो क्या बोलती सो आई कैन हेयर यू बेटर वॉट बिग teeth यू हैव सो that आई कैन ईट यू बेटर अब आप देखिए इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं वाई डू आर हैविंग बिग big वॉट बिग big यू हैव ग्रैंड grandma? वो बोलती है ना तो वो क्या जवाब देता है Eyes के लिए वो जवाब ये देता है सो आई कैन सी यू बेटर ईयर्स का पूछो तो वो बोलता है सो आई कैन हेयर यू बेटर टीथ इतने बड़े बड़े हैं पूछने में वो क्या बोलता है सो दैट आई कैन ईट यू बेटर देखिए ये टीथ आर सो बिग ईयर्स इज सो बिग एंड आईज इज सो बिग और ये ये देखो हैरान हो गई देख के बिकॉज नोस दादी ऐसे दिखती नहीं है उसको समझ में आ गया था अब यहाँ देखो राइडिंग हुड वॉज केयड एंड क्राइड फॉर हेल्प हु केम टू हेल्प राइडिंग हुड अब ये क्वेश्चन है वुड कटर देखिए वुड कटर ओके हुइडिंग हु वुड कटर केम ही हर्ड द नॉइस रैन इन टू द हाउस ही सॉ द बेड वुल्फ हिट हिम विथ हिस्स एक्स हाउ वॉट डिड द वुड कटर डू विथ द वुल्फ मैंने क्या किया उसने हिट हिम विथ हिज एक्स आंसर क्या हुआ वुड कटर हिट हिम विथ हिज एक्स ये क्वेश्चन है हुईड तो आंसर क्या होगा वुड कटर वुल टू द फॉरेस्ट वुड कटर ओपन द कबर्ड और उस कबर्ड से कौन निकली बाहर ग्रैंड मार एंड वॉट डिट ग्रैंड मा गिव टू वुड कटर फिर से वही बोलने के आप क्या बोलेंगे ग्रैंड मा गेव हिम समेंक डिम थैंक डिम एंड थैंक यू बोल राइट सब ये हो गया स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स अब इसको अच्छे से सुनिए और याद करने की कोशिश करेंगे लेट्स डू द दोयम सेव वाटर 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 एवरीवेयर water water everywhere water here and water there water here and water there if we do not save it if we do not save it what shall we drink and eat what shall we drink and eat so let us all take a vow so let us all take a vow to save water somehow. water, water, everywhere, water here and water there. if we do not save it, what shall we drink and eat? so let us all take a vow. टू सेव वॉटर सम हाउ अब आपका ट्यून भी वैसे होना चाहिए क्वेश्चन के समय क्वेश्चन है ना ये दिस इज अ क्वेश्चन मार्क वॉच शेल वी ड्रिंक कैन ईट ऐसे बोलना है जोर से अब ये इफ वी डू नॉट सेव इट मने अगर हम नहीं बचाएंगे तो क्या होगा पानी को बचाएंगे नहीं तो क्या होगा इफ वी डू नॉट सेव इट वॉच शेल वी ड्रिंक कैन ईट सो लेट ऑल टेक अव टू सेव वॉटर समा राइट स्टूडेंट्स इसको याद करिए ओके सी यू इन द क्लास